जी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज सीखने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, बहुत ही आसान और सरल तरीके से। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो हम गारंटी ले लेते हैं कि आप कभी नहीं भूलिएगा। तो इसको हम बनाने से पहले, सबसे पहले इसको याद करने का ट्रिक हम सिखा देते हैं। इसको इस प्रकार याद करना है, इकाई दहाई सैकड़ा, ये तीनों तो लगभग सबको याद रहते हैं। जब यहाँ से हजार आएगा तो तीन बार बोलना है हजार, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, दस हजार, सौ हजार, हजार वाला को तीन बार बोलना है। इससे आगे अगर भूलने लगेगा तो प फ का अक्षर है यहाँ पर म और यहाँ पर है ब, म से ध्यान रखिएगा मिलियन और ब से बिलियन। अगर मिलियन आएगा तो तीन बार बोलिएगा मिलियन, दस मिलियन, सौ मिलियन, और बिलियन आएगा भी तो तीन बार बिलियन, दस बिलियन, सौ बिलियन। एक बार हम बोल करके दिखा देते हैं, इस प्रकार याद करिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, दस हजार, सौ हजार, इतना बोलने के बाद अगर भूलने लगेगा तो प फ का अक्षर है लास्ट वाला, मिलियन, दस मिलियन, सौ मिलियन। फिर आगे याद नहीं आएगा तो प फ का ही अक्षर है, पहले म, यहाँ पर पेट कट्टा ब है, बिलियन, तो बिलियन, दस बिलियन, सौ बिलियन, इसी स्टाइल में बोलिएगा, पहले हजार तो दस तब सौ, इसमें मिलियन दस मिलियन सौ मिलियन, बिलियन दस बिलियन सौ बिलियन। इसको फिंगर पर याद करके रख लीजिएगा। रखने के बाद इसको बताने से पहले एक चीज़ और सिखा देते हैं, अगर पूछा जाए हजार पर कितने जीरो होता है तो बोलिएगा तीन, और मिलियन पर कितने जीरो होता है तो छः, और बिलियन पर कितने जीरो होता है तो बोलिएगा नौ। हजार पर तीन, मिलियन पर छः, इस पर नौ, हजार पर तीन, मिलियन पर छः, और बिलियन पर नौ जीरो। अगर नौ जीरो है या बिलियन पर एक मिला करके, बिलियन में कितने अंक तो दस अंक, एक आ नौ ठो जीरो, मिलियन में कितने अंक तो सात अंक, एक आ छः जीरो, हजार में कितने अंक तो चार, तो एक आ तीन ठो जीरो, हो गया ना एक हजार। और इसको अगर याद कर लीजिए, इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। इसको हम बनाने का ट्रिक सिखा देते हैं। सबसे पहले तीन अंकों के बाद कॉमा लगाना है, इस प्रकार एक दो तीन, एक दो तीन, तो लास्ट में चले जाएगा तो लास्ट में हम कॉमा नहीं देंगे। पहला ट्रिक ये है कि हमेशा तीन 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 अंकों के बाद कॉमा देना है, इस प्रकार एक दो तीन, एक दो तीन, अब देंगे तो उधर चले जाएगा। हमें तीन तीन अंकों के बाद, ये नहीं कि तीन दो दो, ये नहीं, इंटरनेशनल सिस्टम में हमेशा तीन 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 अंक के बाद कमा देना है, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, उधर चला जाएगा, एक दो तीन, 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 लास्ट में चला जाएगा तो नहीं देंगे कमा। ये मेरा पहला ट्रिक है कि इसमें एक नंबर में कोमा देना है। अब दूसरा ट्रिक में क्या करना है, कोमा से पहले इस प्रकार घेर देना है, देखिए कोमा से पहले घेर दिए। दूसरा ट्रिक, आगे वाला तीन अंक बचेगा तो नहीं भी घेरिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट वाला तीन अंक को, फिर कोमा से पहले घेर दिए, फिर कोमा से पहले घेर दिए इस प्रकार, फिर इसमें भी लास्ट में तो बोले हैं तीन अंक को कुछ नहीं करने के लिए, अभी कोमा से पहले घेर दिए, कोमा से पहले घेर दिए इस प्रकार, फिर कोमा से पहले घेर दिए, कोमा, ये कोमा के बीच में है तो इसको घेर दिए इस प्रकार। पहला ट्रिक है कोमा लगाना और दूसरा ट्रिक है घेरना, देखिए घेर रहे हैं। जब ये सीख जाएगा तो घेरना कोई ज़रूरी नहीं है, तीन अंक को छोड़ दिए। पहला ट्रिक एक नंबर में कोमा लगा दिए, दूसरा ट्रिक दो नंबर में हम घेर दिए हैं, किसको घेर दिए हैं, कोमा से जो जितना पहले है तो इसको घेर दिया है, लास्ट वाला तीन अंक को छोड़ दिया। अगर घेर भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है।
अगर सीख जाने के बाद घेरना कोई जरूरी नहीं है। दूसरा ट्रिक खत्म हो गया। तीसरा ट्रिक, घेरे हुए हैं पहले जो लिखा हुआ है 820, इसको हम इस प्रकार लिख लेते हैं 820, इस प्रकार लिख देंगे। अगर शब्दों में आता है आठ लिखा हुआ है आठ, तो इस प्रकार आठ लिख लेंगे। अगर नहीं आता है तो इस प्रकार लिख लेंगे 820। एक बार घेरे हैं उसको लिख दिए हैं, तो एक बार हम उधर से लिखेंगे। पहला ट्रिक में कॉमा लगाए, दूसरा ट्रिक में घेर दिए, तीसरा ट्रिक अभी चल रहा है कि 820 है तो 820 लिख दिए, और यहाँ से गिन लेंगे तो 820 वाला डिब्बा कितने नंबर पे है। एक दो तीन चार नंबर पर है डिब्बा, पाँच नंबर में रहेगा तो ये वही बात, छः नंबर में रहेगा तो वही बात। फिर हम डिब्बा हमको मिल गया तो वहीं पर रुक जाते हैं। एक दो तीन चार, चार नंबर में डिब्बा मिला, यहाँ से चार नंबर गिन लेंगे। एक दो तीन चार, चार नंबर में है हज़ार। अगर पाँच नंबर में भी आएगा 10,000 तो हम हज़ारें लिखेंगे कम ही वाला। अगर 100,000 भी आ जाएगा तो हम हज़ार ही लिखेंगे, यानी तीनों में से कौन आएगा तो हम कम वाला लिखेंगे हज़ार। इसलिए हम क्या किए तो डिब्बा में अगर मिल गया हमको जितना नंबर में उतना ही नंबर गिन लिए। इस प्रकार एक दो तीन चार नंबर में डिब्बा मिला, इधर से भी चार नंबर, एक दो तीन चार, चार नंबर में हज़ार तो हज़ार लिख दिए 820,000। और तीन अंक बचेगा तो इसके लिए तो कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, 205 तो लिख देंगे 205, लिख दिए हो गया। फिर इसी प्रकार इसको ही बनाएंगे, शुरू में है दो तो दो लिख दिए। इस प्रकार दो लिखने के बाद दो को हम गिन लेंगे कि ये कितना नंबर पर है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात नंबर पर है। जब गिनते रहेंगे हम, तीन एक डिब्बा है तो एक ही गिनेंगे, ये नहीं गिनते, उस डिब्बा तक पहुंचने के लिए टोटल अंक को गिनना पड़ेगा। एक दो तीन चार पाँच छः सात नंबर में है, सात नंबर, एक दो तीन चार पाँच छः सात नंबर में आया मिलियन। अगर आठ नंबर में भी आता तो यहाँ पर भी मिलियन है, तो हम क्या लिखते हैं कम ही वाला मिलियन ही लिखते, तो दो मिलियन, मिलियन हो गया दो मिलियन। और आगे में है 244, तो ऐसे लिख लेते हैं 244, 244 लिखने के बाद हम गिन लेंगे कि ये डिब्बा कितने नंबर पर है। एक दो तीन चार नंबर पर है, तो चार नंबर में क्या आया था हज़ार, एक दो तीन चार, तो लिख लिए हज़ार। अब तीन अंक बचा हुआ है, तीन अंक के लिए कोई दिमाग नहीं, 0,100 मतलब 0,100 मतलब कुछ नहीं, सीधे लिख देंगे हम 62। एक और बना करके हम दिखा देते हैं लास्ट वाला। तो इसमें है सबसे पहले हम लिखेंगे, शुरू में है 908, तो देखिए हम इस प्रकार लिख लेते हैं, हमको तो आता है शब्दों में लिखा हुआ, इस प्रकार लिख लेते हैं 9 का 9, 100 का 100, 8 8, 908 इस प्रकार लिख लिए। 908 लिखने के बाद देखेंगे ये कितना नंबर पर ये डिब्बा है। एक दो तीन चार पाँच छः सात नंबर पर डिब्बा है, तो सात नंबर पर, एक दो तीन चार पाँच छः सात नंबर में है मिलियन, यहाँ पर लिख लेते हैं मिलियन। अगर ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएगा तो सब अंक को गिन लीजिएगा इस प्रकार, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नंबर पर है, देखिए नौ नंबर पर क्या है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ नंबर पर भी है वही है, नौ नंबर पर भी है 100 मिलियन, तो हमको क्या लिखना है मिलियन ही लिखना है, तो मिलियन लिख लिए। अब है 256, तो दो कर दो सौ छप्पन, छ प संयुक्त नौ, 256, ये तो यहाँ से तो लिख लिए। अब गिन लेंगे कितना नंबर पर है, एक दो तीन चार नंबर में मिल गया, लेकिन हम वहाँ तक गिन करके दिखा देते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, छः नंबर पर, एक दो तीन चार पाँच छः, देखिए छः नंबर पर आया 100,000, तो इन्हें 100 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, कम वाला लिखना है हज़ार, 256 हज़ार। और तीन ही अंक बचा है, तीन अंक के लिए कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये 768 है, तो सा का तो सात, सौ अड़सठ,
68 68। इसी प्रकार हम लोग बनाएंगे। वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा।